You know what? By eating basic Indian food, you can lose weight. But how you cook the food, the quantity of the ingredients, and the portion you are taking really matters. So today I'm going to make another balanced meal. Lobhia dal, along with paneer bhurji, salad, and roti. So do watch the video till the end and do follow the instructions carefully. Aiye shuru karte hain, but please do not forget to subscribe my YouTube channel. तो सबसे पहले हम बनाएंगे लोभिया दाल, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और उसको बहुत ही कम ऑयल में बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए है हाफ कप लोभिया दाल और ब्लैक आइड पीस, और इसमें एक कप पानी डाला है और उसको हम अच्छे से धो लेंगे। दो से तीन बार अच्छे से दाल को धो लेंगे और उसके बाद उसमें दो कप पानी डालकर उसको 30-40 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। अब प्रेशर कुकर को मध्यम आंच पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे 3 गार्लिक पॉड्स, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च, तीनों चीज़ें अच्छी से कटी हुई, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और उसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ और इसको हम पका लेंगे। क्योंकि हम बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर आपको लगे कि प्याज जल रहा है, आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। प्याज को ज़रा सा पिंक कलर होने तक हम पकाएंगे अच्छे से, और जब वो कुछ ऐसा सा दिखने लग जाएगा हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा टमाटर अच्छे से कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/3 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर और हल्दी, और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। ज़रा सा पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मसाला जो है वो जल ना जाए। अब हम इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे फॉर 8-10 मिनट्स, या जब तक टमाटर जो है वो इस तरह से मशी नहीं हो जाते, और फिर हम एक अच्छे से इसको मिक्स देंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे सोक्ड दाल और उसको और तड़के के साथ उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दाल सबसे पहली ऐसी इंडियन क्यूजीन है जो कि मैंने मेरी माँ से सीखी थी, और उन्होंने मुझे एक रूल बताया था कि जितनी भी दाल हो उसे 4 गुना पानी डालना है, और ये वैलिड है मूंग दाल के लिए, चने की दाल के लिए और इस दाल के लिए। सो मैंने 4 गुना पानी डाला है और मैं उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद हम उसे प्रेशर कुक करेंगे। पहली विसल आने तक आप इसको हाई फ्लेम पर रख सकते हैं, और उसके बाद उसको मीडियम लो फ्लेम पर रखना है 15 मिनट के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दाल और पानी जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो मैं उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल करूंगी ताकि वो अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। अगर आपको लगता है कि दाल कुक हो गई है, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। एक बार दाल बन जाए तो डालेंगे ताज़ा धनिया और हमारी दाल तैयार है। अब हम बनाते हैं पनीर की भुर्जी, जो कि बहुत ही आसानी से और बिल्कुल मिनटों में बन जाएगी। इसके लिए एक पैन में मैं लूँगी ऑयल, और जब वो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूँगी अदरक बारीक कटी हुई, और उसमें डालूँगी हरी मिर्च और जीरा, और इसको मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, क्योंकि हम बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसमें भी, तो कहीं पर भी अगर आपको लगे कि प्याज जल रहा है, आप इसमें 1 से 2 बूंद पानी डाल सकते हैं। जब प्याज हल्का गुलाबी रंग का हो जाए तो उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, और उसके बाद उसमें डालेंगे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ऊपर ज़रा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मेरा मसाला जो है वो जल ना जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढककर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मटर। मटर से पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं मटर हमेशा डालती हूँ। क्योंकि मैं फ्रोज़न पीज़ यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसे ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, लेकिन अगर आप फ्रेश पीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट तक इसको पकाना पड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा स्टार इंग्रेडिएंट पनीर और उसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है और बहुत ही यमी लग रही है। टेस्ट एनहांस करने के लिए मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे सैलड, जिसको कि बनाना बहुत इजी है और जल्दी से बन जाती है। सबसे पहले हम डालेंगे हैंडफुल ऑफ ग्रीन्स, एक गाजर कटी हुई, थोड़े से क्यूकम्बर के स्लाइसेस और पिकल्ड अनियन। पिकल्ड अनियन की डिटेल्स आप कैप्शन में देख सकते हैं। और इसमें डालूंगी मैं फ्रेशली ग्राउंडेड काली मिर्च, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस करती है, और थोड़ा सा नींबू का रस। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी सैलड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। It's time to prepare the balanced plate.